तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आका की बातों को समझ सको। उनकी बातों में जादू है, जादू। रूह खुश हो जाती है, तुम तो उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते, इतनी चमक है उनके चेहरे पे, जैसे नूर बरसता है, नूर। आंखें टिकती नहीं है, दिल करता है कि बस देखते रहो, देखते रहो। उनकी बातें कोई भी सुनेगा ना, तुम भी, तुम भी, तो जान देने को तैयार हो जाओगे बिना किसी सवाल के। किसी की कोई भी जात, कोई कोई औकात नहीं है उनके आगे। वो किताब की एक एक बातें बताते हैं जो तुम जैसों की समझ में नहीं आने वाली, इसलिए इसलिए कि तुम काफिर हो, काफिर। दीन के लिए शमशीर उठाना पड़ता है, दीन खतरे में है। जहन्नुम की आग से बचना है तो जिहाद करना है, क्योंकि जहन्नुम की आग जलाती है तो बस जलाती ही रहती है। गुनाहों की तौबा कबूल होगी कि नहीं, मैं नहीं जानता था, लेकिन आका ने कहा, जो मजहब और दीन की हिफाजत में जान गंवाता है उसका दर्जा बुलंद होता है। आका कहते हैं, जो अल्लाह के लिए जान देता है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को, चाहे चाहे कितने भी घटिया क्यों ना हो, माफ कर देता है। कोई सवाल जवाब नहीं होता है उससे। पर ये तुम कहां जानो, अल्लाह, रसूल, जिहाद, पता है, पता है, जिहाद, जिहाद ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें हमारी रूह की, भाग्य की और नूरानियत बरकरार रहेगी। पत्थर, आका कहते हैं, शहादत के बाद फरिश्ते हमें सीधे जन्नत में ले जाएंगे। जन्नत, कयामत में हमें शान से उठाया जाएगा और जन्नत में खूबसूरत हूरें होंगी, दूध और शहद की नदियां होगी, जहां जहां हमें उनसे नहलाया जाएगा। और ये सब उन लोगों के हक में आता है जो दीन के लिए जान गंवाते हैं, दीन के लिए। तुम्हें मजहब का इल्म कहा,